तो बस यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम सबके साथ न्याय करे, और मैम हमें न्याय का और कोई तरीका दिख नहीं रहा है रीनीट के अलावा, क्योंकि कल्प्रेट्स को अलग करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क है। अब कितने सेंटर्स में कितनी धांधली हुई हमें नहीं पता, अभी तक से वो सिर्फ दो सेंटर, जहां एनटीए पहले ट्रांसपेरेंसी की बात करता था वहां वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। हम कैसे मान लेगी वो ऑनेस्ट भी है, जबकि पहले उसने ये बोला था कि सब जगह एकदम फेयर कंडक्शन हुआ है, सिर्फ एक राजस्थान के सेंटर के अंदर पेपर को लेट करवाया गया, लेकिन अब वो स्टेटमेंट बदल दी गई। अब दो सेंटर्स पकड़ लिए गए, गोधरा के और यूपी के, और वो भी जब हम लोगों ने आवाज उठाई है तभी इन दो सेंटर्स को लाइमलाइट में डाला गया। मेरे 630 मार्क्स आ रहे हैं, जिसपे मेरे को पिछले साल, क्योंकि 610 कट ऑफ थी, तो उसपे मेरे को आराम से अच्छा कॉलेज यूपी में मिल जाता, दिल्ली में नहीं मिलता, यूपी में मिल जाता, बट मैम अब 660 चली गई है मेरे स्टेट की कट ऑफ। भी जो भी केस बनता हुआ सामने नजर आ रहा है उसमें बस अब यही माना जा रहा है कि 99.9% जो है वो रीनीट होगा। जैसे कि गौरतलब है, कल जितनी भी बातचीत सुप्रीम कोर्ट ने करी उसमें ये सामने आ रहा है कि चंद्रचूड़ जी ने खुद माना है कि हाँ पेपर लीक तो हुआ है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई जी ने ये खुद माना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस बात से दुखी हैं। कई लोगों का हमारे जो प्रीवियस वीडियो, जो कि काफ़ी अच्छे वीडियो अपलोड हुए नीट को लेकर, उस पर काफ़ी लोगों ने जो है इस बात पर कमेंट भी किया है कि एक तर्क दिया है लोगों ने कि वो लोग नीट चाह रहे हैं जो कि जिनके रीनीट चाह रहे हैं जिनके कम नंबर आए हैं। देखिए, और कई भाई जिनके कम नंबर आए हैं और उन्होंने पूरी मेहनत करी है तो वो तो रीनीट चाहेंगे ही चाहेंगे, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये अगर एग्ज़ाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो ये बच्चों के मन में कितना ज़्यादा दुख पैदा कर रही है। सिर्फ बच्चों के मन में नहीं, भारतीय जो एग्ज़ाम प्रणाली है उस पर भी बहुत बड़ा जो ये है सवाल उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि साइबर फोरेंसिक डिपार्टमेंट के पास डेटा एनालिटिक यूनिट के जरिए क्या ये पता लगाया नहीं जा सकता कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है या नहीं, क्या गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव है। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर लोगों का कहना है कि जांच एजेंसी के लिए इसका जवाब खोजना दूसरे में सुई खोजने जैसा है। गलत काम करने वालों की पहचान अगर हो भी गई तो इस प्रक्रिया में लंबा वक्त लग सकता है। क्या 24 लाख कैंडिडेट इतने दिन इंतजार कर पाएंगे, क्या डॉक्टरी के दाखिले इतने दिन तक रुके रहे। एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं कि नीट की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्टेट की कट ऑफ बहुत लो जाती है, वो सिर्फ अपने स्टेट के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन जो यानी जो डोमिसाइल उन्होंने चुना है, डोमिसाइल जो है उस स्टेट की लोअर जाती है कट ऑफ, तो वहाँ उन्हें तो एडमिशन मिल जाएगा। ये तो सेल्फिशनेस वाली बात होगी ना कि सेल्फिश सिर्फ अपना सोच रहे हैं। और भी तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स पूरे इंडिया से बनेंगे, सिर्फ एक स्टेट से नहीं।